नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गौरव कुमार, साइकेट्रिस्ट मुजफ्फरपुर बिहार से। और आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ। हम लोग इस टॉपिक पे बातचीत करेंगे, और अगर आपके कुछ सवाल हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने के। तो इस टॉपिक को हम आजकल आसपास अपने आसपास काफ़ी आसानी से देख लेते हैं। स्कूल है या कॉलेजेस हैं, या कई बार किसी ऑफिस में आप जाइए तो देखिए कई तरह के युवा होते हैं। कुछ तो एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो अपनी फीलिंग्स को आसानी से एक्सप्रेस कर लेते हैं, और कई युवा इंट्रोवर्ट होते हैं यानी अंतर्मुखी होते हैं, वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जिसको लेकर के कई बार बहुत सारे लोग ट्रोल हो जाते हैं। कई सेलिब्रिटीज़ भी कभी कभी ट्रोल हो जाते हैं, कभी कभी ड्रेसिंग सेंस को लेकर के, कभी कभी उनके बिहेवियर को लेकर के, कभी मीडिया पर्सन्स के साथ उनका व्यवहार को लेकर के, कभी कभी किसी ऑडियो या वीडियो क्लिप पे, किसी पोस्ट पे। खास करके आजकल इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा ये ट्रोलिंग का चल रहा है। तो इंस्टाग्राम पे किसी ने अपनी फ़ोटोज़ डाली, अब उस पर पब्लिक उसको रोस्ट करने लगते हैं, बहुत सारे उसके नेगेटिव जो चीज़ों को देख करके उस पर कमेंट करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम में से कोई आदमी परफेक्ट है, हम सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी से सफ़र करते हैं, बट उस कमी के साथ अगर हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन कई युवा इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर एक कुंठित व्यक्तित्व के शिकार हो जाते हैं, एक अंदर से एक शेल बना लेते हैं, अंदर से आवरण बना लेते हैं, और अपने आप को जल्दी दूसरों के सामने खुला हुआ महसूस नहीं करते हैं, अपने विचार को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। कई बार लोग उनके ऊपर नेगेटिव कमेंट्स करते हैं और वो उस चीज़ को अंदर ही अंदर पकड़ते चले जाते हैं, और एक लाइफ में उनके कभी कभी ऐसा मोड आता है जब वो किसी को फेस नहीं कर पाते हैं। बाहर निकलेंगे, किसी ने कहा, फादर ने कहा कि बेटा जाके बिजली का बिल जमा करा लो, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ ए केस वन। किसी के फादर ने कहा बेटा जाके बिजली का बिल जमा करा लो, अब वो सोच में पड़ गया कि कैसे जाऊँगा, वहाँ पर बहुत सारे लाइन लगा होगा, कैसे लोगों को फेस कर पाऊँगा, मैं जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा, और बस में जाऊँगा बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, वहाँ पर सब लोग मुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे, कहीं मैं ठीक से नहीं जमा करा पाया तो, कहीं किसी ने वहाँ मुझे देख के हंस दिया तो, कहीं किसी ने मेरा मजाक उड़ा दिया तो, ये सारे प्रश्न उसके मन में आने लगते हैं, जिसके कारण वह कहता है कि नहीं पापा, मैं नहीं जमा करा पाऊँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। कभी उसी बच्चे को किसी दिन स्कूल में प्रेयर कराने की जिम्मेवारी दी गई, बेटा आज आप प्रेयर करा दो, आप जो मॉनिटर है वो नहीं आया है, आप आज करा लो। अब वो बच्चा इतना घबरा जाता है, मैं ठीक से प्रार्थना बोल पाऊँगा कि नहीं बोल पाऊँगा, स्टूडेंट्स प्लेज में छात्र प्रतिज्ञा बोल पाऊँगा कि नहीं बोल पाऊँगा, कहीं सीक्वेंस गड़बड़ ना हो जाए, लोग कहीं मुझ पर हंसने न लगें। ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है, जिसके कारण उसके बहुत सारे सिम्टम जैसे हॉट फ्लशेस, पूरे शरीर में गर्म लहर जैसा देना, पसीना तेज चलने लगना, धड़कन उसकी तेज हो जाना, पब्लिक को फेस नहीं कर पाता है। इसको आप सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर या सोशल फोबिया भी कह सकते हैं, और ये काफ़ी कॉमन होता जा रहा है आजकल के माहौल में। पहले का समय काफ़ी अच्छा था, इंटरेक्टिव था, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ, पड़ोसियों के साथ, आसपास के जो फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते थे, खुल पाते थे, उनका सोशल एक्सपोजर काफ़ी अच्छा होता था, उनको एक मौका मिलता था, एक प्लेटफॉर्म मिलता था। अब जैसे मान लीजिए कि तीज है या दशहरा है या ईद है, बकरीद है, या कोई भी गुरु पर्व है, तो इसमें गैदरिंग जब होती थी तो बच्चे उसमें जाते थे, परफॉर्म करते थे, किसी ने गाना गाया, किसी ने डांस किया, तो एक हौसला अफजाई होती थी, उनके अंदर भी एक जज्बा होता था कि हम करें। स्कूल्स में बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, बहुत सारे स्पोर्ट्स मीट हुआ करते थे, तो उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन आजकल जो बच्चों की ज़िंदगी है वो काफ़ी मतलब ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा सिमटती जा रही है, प्लेग्राउंड्स कम होते जा रहे हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स बढ़ते जा रहे हैं, मौज या इस तरह के बहुत सारे, मैं किसी भी प्रोफाइल में किसी भी सोशल साइट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है जितने भी सोशल साइट्स हैं उन पर बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ता जा रहा है। स्क्रीन टाइम बढ़ने के कारण प्रॉब्लम्स क्या हो रही है कि उनके इमोशनल जो फीलिंग्स हैं उनको शेयर नहीं कर पा रहे हैं किसी के साथ। ऐसी स्थिति में उनको बहुत ज़्यादा अपने इमेज को लेकर के कंसियस हो जाना, काफ़ी ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना कि मैं ठीक दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। मैं देखिए, एक अपना पर्सनालिटी मेंटेन करना अलग बात है, और एक उसको लेकर के बिना बात के बेवजह एंग्जाइटी को पालना अलग बात हो जाती है। तो ये उनकी हैबिट में धीरे धीरे शामिल होता चला जाता है कि
कि कहीं मुझे कोई देख के हंस देगा, कहीं मुझे देख के कोई ऐसे कह देगा, कहीं वैसे कह देगा। और धीरे धीरे क्या होता है कि वो बच्चा, वो युवा अपने आप को सोशल कंटेक्स्ट में, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अपने आप को फिट नहीं पाता और धीरे धीरे कटता चला जाता है, जिसके कारण कभी स्टेशन पे जाने में उसको दिक्कत होती है, कभी बिजली के बिल के काउंटर पे जाने में दिक्कत होती है, स्कूल्स में प्रेयर करवाने में प्रॉब्लम्स होती है। हर एक सोशल जो ओकेजन होता है, हर एक सोशल जो सामाजिक क्षण होता है, उस क्षण का वो अपने लाइफ में इंजॉय नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसको सोशल एक्सपोजर, अब समाज, मनुष्य सामाजिक प्राणी है तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी सोशल ओकेजन्स आ ही जाते हैं, कोशिश करता है अवॉइड करने की, पर जब उसका एक्सपोजर होता है ऐसे सिचुएशंस में, तब वहाँ उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। एकाएक उसको घबराने लगता है, उसका देह जो है कंपन होने लगता है, और माइक वगैरह अगर हाथ में माइक है तो हाथ थरथराने लगना, धड़कन लगता है जैसे कि अब हार्ट फेल हो जाएगा, तैसे बुझाना, पसीना चलने लगना, बिल्कुल टांगे बिल्कुल थरथराने लगना। तो इस तरह के लक्षण देखे जाते हैं सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स में। ये यूजुअल जो युवा होते हैं, जो एडोलेसेंट्स होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है आजकल। इसके अलावे जो ऑफिस गोइंग युवा होते हैं, जो 30 बिटवीन 30 to 40 के एज ग्रुप में जो लोग होते हैं, उनमें भी ये काफ़ी ज़्यादा संख्या में देखा जा रहा है। स्पेशली जो एक कॉरपोरेट कल्चर में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ रहा है वर्कलोड का, उनको कुछ टारगेट्स दिए जा रहे हैं कि आपको ये टारगेट्स पूरा करना है, और इस टारगेट को पूरा करने के चक्कर में वो अपनी सोशल लाइफ को धीरे 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 कट ऑफ होते चले जाते हैं, और धीरे धीरे सोसाइटी से उनका एक जो तारतम्य होता है, एक कोऑर्डिनेशन होता है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ होता चला जाता है। इसके चलते उनको जब भी एक्सपोजर होता है सोसाइटी, बॉस से मिलना है, अरे बाप रे आज बॉस मीटिंग में बुला रहे हैं, कैसे होगा, क्या करेंगे, बॉस कहीं ऐसा पूछेंगे, कहीं वैसा पूछेंगे, बॉस कहीं मुझे मेरा जॉब टर्मिनेट ना कर दें, कहीं मेरा एनुअल रिपोर्ट ख़राब ना चला जाए, पता नहीं क्या होगा। तो इस तरह का जो फीचर्स होता है, अनावश्यक प्रश्न, और जब मीटिंग में जाते हैं तो बॉस ने कुछ पूछा ही नहीं, उनसे बात ही नहीं करी। ऐसा भी होता है कि जब वो मीटिंग में जाते हैं तो बॉस ने कुछ पूछा ही नहीं उनसे, लेकिन जब तक मीटिंग खत्म नहीं होता है वो बेचैन रहते हैं बहुत ज़्यादा, हाथ को यूं यूं करना, फिजिटिंग करना, और पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, बापे उफ उफ उफ, कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं। तो ये जो सिचुएशन होती है, इसमें बहुत ज़्यादा जो पेशेंट होता है काफ़ी ज़्यादा दुश्चिंता विकार से ग्रस्त हो जाता है, और उनके मन में बुरे बुरे बुरी बुरी बातें आने लगती हैं, बुरे बुरे चीज़ ख्यालात उनके मन में आने लगते हैं, और इन ख्यालातों से वो जान के नहीं सोचते हैं ऐसा, उनके मन में ऐसा होता है, एक्सपोजर होने पे उनका ये एक रिस्पॉन्स आता है उनके माइंड की तरफ से, उनकी जो साइकोलॉजी है वो ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती है, उनका जो आप कह सकते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण जब भी वो उस तरह के माहौल में पढ़ते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा समस्या झेलनी पड़ती है, और इस प्रॉब्लम को किसी को डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जब माँ को बोलते हैं तो माँ, ये तुम तो भाई लजकोट हो गया है जी, तुम मौगा कैसे हो गया, तुम ऐसा कैसे, इस तरह का टर्म जो यूज़ करते हैं, जो माता पिता, बाबूजी भी बोलते हैं, अरे तुम रोता है, मर्द रोता नहीं है, तुम कैसा लड़का है यार। तो ये सब चीज़ जो कमेंट्स सुनने के लिए मिलता है उनको रिटर्न में, जब बच्चे अपने प्रॉब्लम्स को पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं, माता पिता के साथ शेयर करते हैं, तो ये जो कमेंट्स उनको सुनने के लिए मिलता है कि तुम्हारा चाल चलन ठीक नहीं है, तुम लजकोट होते जा रहा है, दिन भर घर में घुसल रहता है, कौनों काम के लायक नहीं है, तुम बैल का गोबर हो गया, ये सब टर्म सुनने के लिए मिलता है मुझे आए दिन, पेरेंट्स बोलते हैं, यूज़ करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ऐसे टर्म्स का यूज़ नहीं करें बच्चों के लिए, इससे आप उनकी मनोदशा को समझ नहीं पाते हैं, और आपका जो कमेंट्स होता है उनको और हतोत्साहित करता है, उनको और डिस्करेज करता है। तो इस तरह के कमेंट्स से प्लीज़ बचें, उनकी मनोदशा को समझने का प्रयास करें, किस स्थिति से गुजर रहे हैं एक बार आप उसका अनुमान लगाएं, और मुझे लगता है अगर आप भी इस उम्र से गुजर चुके हैं तो हर कोई की कहानी एक जैसी नहीं होती है। आप फिर आप डिस्क्राइब करते हो कि अरे हम तो अपने बचपना में ऐसे करते थे, वैसे करते थे, ऐसे किया करते थे, हमको तो कुछ नहीं ऐसा महसूस हुआ, हम तो एकदम सब दिन अच्छा से रहे, हमको तो तुम्हारे साथ माहौल भी नहीं अच्छा मिला, फिर भी देखो हम ऐसा किए वैसा किए, तो ये कॉम्पेरिजन कहीं ना कहीं उनके प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इस तरह का कॉम्पेरिजन नहीं करें। एज ए पेरेंट्स मेरी एडवाइस यही होती है, पेरेंट्स से मेरा कहना होता है कि आप अपने बच्चों को अपनी कहानी सुना करके एक आप अपने दूसरे स्टाइल में सुना सकते हैं कि ऐसा चैलेंजेस उसमें भी आते थे, हम लोग उसको ऐसे हैंडल किया करते थे, अपने प्रॉब्लम्स और जो आपने उसको कैसे कोप किया, कैसे
कैसे आपने अपने संघर्ष पे जीत हासिल करी, आप इस कहानी को बताइए, बट कंपेयर नहीं कीजिए कि तुमको कुछ नहीं आता है, तुम बुड़बक हो, तुम कोई काम के लायक नहीं हो, ये सब चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, उनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। आप उनके साथ बैठिए, उनकी समस्या को जानने का प्रयास कीजिए, और ऐसा ना हो कि आजकल की जो आपाधापी भरी ज़िंदगी है उसमें बच्चों को अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट्स लेना पड़े। तो प्लीज़ आप ये इंश्योर कीजिए कि जब आप रात को साथ में डिनर करते हैं सारे लोग, तो अपने अपनी कहानी को शेयर करें कि आपके साथ क्या हुआ। आप अपने से शुरुआत कीजिए, अगर आप फादर हैं तो आप अपने ऑफिस के बारे में बताइए कैसे ऐसे हुआ, मदर अपने घर के एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करें, या अगर वर्किंग मदर है तो अपने वर्किंग जो कल्चर है उसके बारे में शेयर करें, और धीरे धीरे बच्चे भी अपने स्कूल के बारे में शेयर करेंगे तो उनके अंदर शेयरिंग वाली भावना बढ़ेगी इससे, और आपको भी उनके स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करने में काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी इससे। आप जब बच्चे तनावग्रस्त होंगे तो आपको बहुत आसानी से इस चीज़ का पता चल जाएगा। कई बार ये प्रॉब्लम्स इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बच्चे समझते हैं कि मेरी ज़िंदगी बेकार है, या धीरे धीरे आगे चल के डिप्रेशन में भी चेंज हो सकता है कई बार, और कई बार पेरेंट्स इस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, और छोटा सा झटका, छोटा सा एक प्रेसिपिटेटिंग इवेंट जिसको बोल सकते हैं आप, एक छोटा सा चिंगारी आग को हवा दे देता है ना, तो उसके कारण क्या होता है, जैसे एग्ज़ाम में फेल कर गया, और अगर आपकी अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं है तो ऐसी स्थिति में ये एक प्रेसिपिटेटिंग इवेंट हो सकता है उसको डिप्रेशन की तरफ ढकेलने के लिए, या लव अफेयर में कोई रिजेक्शन का सामना करना पड़ गया उसको, या बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं लाइफ में, पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव इवेंट्स को फेस अगर कर पाता है बच्चे अगर ऐसा सिचुएशन उसके लाइफ में आता है बच्चे के लाइफ में, तो उसके लिए बहुत बड़ा ये ट्रॉमा हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि पहले से उनका कट ऑफ हो चुका है पेरेंट्स के साथ, टीचर्स भी आजकल उतना टाइम नहीं दे पाते हैं स्कूल्स में, चूंकि स्कूल में एजुकेशन सिस्टम काफ़ी प्रोफेशनल हो गया है पीरियड के हिसाब से, अब पहले वाली जो गुरुकुल वाली बात रही नहीं, और बच्चे भी टीचर्स के साथ अपने आप को उतना शेयर नहीं कर पाते हैं, और दोस्तों के साथ शेयर करने पे भी उनको उतना ज़्यादा कभी कई बार अगर अच्छी दोस्ती होती है, अगर उनके फ्रेंड्स के साथ बॉन्ड्स अच्छे होते हैं तो ये भी एक अच्छा कोपिंग मैकेनिज्म होता है बच्चों के लिए, बट अगर ऐसा सिचुएशन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है उस स्ट्रेस को लेकर के ज़्यादा दिन तक नहीं झेल पाते हैं, और ये जो सोशल एंग्जाइटी का जो प्रॉब्लम है ये धीरे धीरे उनके समस्या को बढ़ा देता है, इससे उनके स्टडीज़ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इससे उनके अगर अगर आप वर्किंग मैन या वर्किंग वुमन हैं तो आपके जो वर्क क्वालिटी है, आपकी एफिकेसी है, उस पर इस एंग्जाइटी का बहुत प्रभाव पड़ता है, आपका परफॉर्मेंस बहुत गिर जाता है, जो आप पहले कर पा रहे थे और जो आप एंग्जाइटी के दौरान आप उतना अच्छा से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो इसको हैंडल करना बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है। ऐसे में एज ए गार्जियन मैंने बताया, एज ए कलीग, एज ए उसके साथ ही एज ए फ्रेंड आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप अपने दोस्त के समस्या को समझें, उसका मजाक नहीं उड़ाएं, आप उनको वो प्लेटफॉर्म में जा करके बोलने के लिए प्रेरित करें, आप उनको बोलें कि नहीं आप कर सकते हो इस चीज़ को, आप बिल्कुल आपके अंदर क्षमताएं हैं, आपने पहले भी इस तरह का कार्य किया है, आप अपने आप को रिकॉग्नाइज कीजिए, अपनी क्षमताओं को रिकॉग्नाइज कीजिए, आप मेरे साथ कीजिए, आप कीजिए, आपको देख करके वो भी इंस्पायर होंगे, वो भी मोटिवेट होंगे। मैंने देखा है लाइफ में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं बट वो नहीं कर पाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, चार लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, कैसा कपड़ा पहन के जा रहे हैं, कैसा ये कर रहे हैं, कैसा ये कर रहे हैं। आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो हेयर कलर अच्छा लगता है आप वो कीजिए, आपको जो मेकअप अच्छा लगता है आप वो कीजिए, इट शुड सूट योर फेस, इट शुड बूस्ट योर पर्सनैलिटी, आपकी आपको और निखर के आने में मदद करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए कोई वक्ता भाषण देने जा रहा है तो उसका जो बाहरी अपीयरेंस है, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, ये भी उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करता है, और जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं वो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं, अगर सुनहरे चमकते दांत हैं तो आप अच्छे से प्रपोज कर पाएंगे, अगर आपके ये पेन से लिख रहे हैं तो आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे, तो ये इन चीज़ों को जो एडवर्टीजमेंट्स वाले हैं वो अच्छे से इसको समझते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको आपके परफॉर्मेंस को बढ़ाने में मदद करती हैं। तो आप छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करें, सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अगर आपका तन मजबूत होगा, आपका मन मजबूत होगा, तो आप इन सब चीज़ों से अच्छे से कोप कर पाएंगे, तो आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम कर सकते हैं, आप योग ध्यान प्राणायाम भी कर सकते हैं अपने आप को मानसिक रूप से दुरुस्त रखने के लिए, आप अपने आप को किसी ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज करें जिससे आपको प्रसन्नता मिले, वह डांस भी हो सकता है, वह सिंगिंग भी हो सकता है, वह कुकिंग भी हो सकता है, वह साफ़ करना भी हो सकता है, वह गार्डनिंग भी हो सकता है, वह साइकिलिंग भी हो सकता है, जो भी आपको खुशी दे,
दो तीन एक्टिविटीज़ आपके पास होनी चाहिए, जैसे पहला जो आपको हेल्दी रखे फिजिकली, दूसरा जो आपको मेंटली आपको एक प्लेजर दे, आपको स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रूप से आपको संतुष्ट रखे, और तीसरा जिससे आपके आमदनी का कोई स्रोत बना रहे। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, आपको जो अच्छा लगता है। आप जरूरी नहीं, अब वो पहले था कहावत कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खड़ा, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा इस कहावत को, तो अब ऐसा नहीं है। आप खेल कूद करके भी अपने देश का नाम पूरे विश्व के पटल पर रख सकते हैं, आप अपने देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं, और स्पोर्ट्स इज़ अ वेरी गुड मीडियम नाउ अडेज टू बी अ गुड एंड हैविंग अ गुड कैरियर। बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, जैवलिन थ्रो है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, रेसलिंग है, मुक्केबाजी जिसको बोलते हैं, कुश्ती है, बॉक्सिंग, मुक्केबाजी, रेसलिंग, कुश्ती, और भी बहुत सारे, तीरंदाजी है, स्विमिंग है, और बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं, कई तरह के स्पोर्ट्स हैं। आप उनमें अच्छा कर सकते हैं तो अपने देश के लिए आप खेल सकते हैं, और भी कई तरीके हैं। आप अपने आप को स्पिरिचुअली हेल्दी रख सकते हैं। अगर आप किसी धर्म का पालन करते हैं तो अपने ईश्वर के प्रति आप एक सकारात्मक भाव रखें, आप इस बात पे भरोसा रखें कि आपके ईश्वर आपके साथ हैं और आपको जब भी उनकी ज़रूरत होती है वो आपकी मदद करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो आपके साथ हैं, हमेशा वो आपकी मदद करते हैं, और किसी न किसी रूप में ईश्वर आप तक पहुंच जाते हैं। आपके मन का विश्वास जो है वो बिल्कुल गहरा होना चाहिए, और आपका ऊपर वाले से रिश्ता काफ़ी अटूट होना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए। यह भी आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है। इसके अलावे जो आप कर सकते हैं वो अपनी एबिलिटीज़ को तराशना, चाहे आपके नॉलेज से आप इन अपने कैपेबिलिटीज़ को तराशें, अपने आप को अपडेट रखें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका जो सिलेबस है उसमें आप क्या नया कर सकते हैं, क्या नया सीख सकते हैं। सिर्फ बुक्स पे रिलाई करना आजकल के समय में सफिशिएंट नहीं माना जाएगा। आप अपने प्रोजेक्ट्स में, प्रोजेक्ट्स होता है जिसमें आपके जो एबिलिटीज़ होती है उनको तराशने के लिए टीचर्स आपको प्रोजेक्ट वर्क देखते हैं, तो आप कॉपी ना करें, एक नया इनोवेटिव, एक नया कुछ नयापन हर बार लाने की कोशिश करें, और ये आपके नॉलेज जो स्किल्स है, प्रैक्टिकल नॉलेज, जो अप्लाइड नॉलेज बोलते हैं जिसको, उसको ये तराशता है। तो इन सब चीज़ों पे फोकस करके अपने आप को अपडेट रखें। अगर आप एक ऑफिस गोइंग एम्प्लॉय हैं तो अपने ऑफिस के जो आपके टाइमिंग्स हैं आप उसका ध्यान रखें, आप ऑफिस टाइमिंग पर समय से पहुँचें, ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। आप सर ऊँचा करके रह सकते हैं, अपने ऑफिस में टाइम दें और अपने काम को ईमानदारी से करें, ये भी आपकी ऑनेस्टी को दिखाता है, आपके अपने प्रति। अगर आप अपने प्रति ऑनेस्ट हैं तो मुझे लगता है कि आप दूसरों के प्रति भी ऑनेस्ट रहते हैं। तो अपने प्रति ऑनेस्टी बरतना है आपको, जो भी आप करें आपको लगना चाहिए कि आपने अपना 100% दिया। हो सकता है वो आपका बेस्ट नहीं हो सकता है कि वो बेस्ट नहीं हो, बट आपने अपना 100% दिया, ये आपको भरोसा होना चाहिए। हो सकता है कि आप एग्ज़ाम में फेल कर जाएं, बट आपको लगना चाहिए कि मैंने अपनी कैपेबिलिटी का 100% दिया है, और ये भी होना चाहिए कि मैं इसे और अच्छा कर सकता हूँ और मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा और अच्छा करने की। ये एक रूम होना चाहिए, संतुष्टि भी होना चाहिए और साथ में एक आगे बढ़ने के लिए अलग भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप संतुष्ट हो गए, नहीं भाई हम तो इतने से संतुष्ट हैं, हमें आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक गलत रवैया है। आपके जो आगे बढ़ने का स्कोप होता है, जो डेवलपमेंट का स्कोप होता है, चूँकि लाइफ जो है परिवर्तनशील है और हमेशा चेंज होता रहता है, तो इस चेंजिंग टाइम के साथ हमें अपने आप को चेंज करना आना चाहिए कि हम कैसे, अब हमें बदलना है। तो एक समाज के तौर पर हमें, हमारी आपसे एक आशा रहती है कि आप समाज को कुछ दें। आप देखेंगे कि इसे अगर कोई कुछ नहीं करता है तो समाज के बाकी लोग भी काफ़ी डिसअपॉइंट है, अरे फलनमा का बेटा तो एकदम बेकार हो गया जी, कोनो काम नहीं करता, दिन भर पड़ा रहता है, खाता है सोता है, खाता है सोता है, आप लोग देखते होंगे। तो समाज को भी आशा होती है कि फलनमा का बेटा कुछ अच्छा करे, या फलनमा की बेटी, अब वो जमाना चला गया, अब बेटियां भी काफ़ी अच्छा कर रही हैं और बेटों से बढ़ के कर रही हैं, तो बेटियां भी काफ़ी अच्छा नाम कमा रही हैं, तो फलनवा की बेटी, तो उनसे एक्सपेक्टेशंस होता है। अब लोग ये नहीं चाहते हैं कि बेटी है तो उसको शादी ब्याह करके हटा दो, नहीं, अब लोग ये चाहते हैं कि बेटियां भी पढ़ रहे हैं, हमारी बेटियां भी आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें। तो बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों को समान अवसर उपलब्ध कराना चाहिए एज ए सोसाइटी, और हम किसी को ट्रोल नहीं करें एज ए इंडिविजुअल। हमें ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला किस मनोदशा से गुजर रहा है, किस मन की परिस्थिति से गुजर रहा है, हम इस चीज़ को नहीं जानते हैं, कितने चैलेंजेस उसके लाइफ में, हम इस चीज़ को नहीं जानते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो एज ए सोसाइटी, एज ए फ्रेंड, एज ए कलीग, हम किसी को हर्ट नहीं करें। जैसा हमारा अपना खराब लगता है, कुछ बोल देता है कोई, तो वैसा हम दूसरों के लिए भी सोचें। और एज एन इंडिविजुअल मैंने आपको बताया कि आप अपने ऊपर ध्यान रखिए, अपने प्रति ऑनेस्टी बरतिए,
और अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें, अपने मन की बातों को रखें, शेयर करें, सपोज़ कि आपके बॉस ने आपको कुछ बोला, आपको ख़राब फील हुआ, आप उनको प्यार से बोल सकते हैं कि बॉस मुझे अच्छा नहीं लगा इसको आप, तो बॉस भी इस चीज़ को फील करेंगे। अब वहीं पे शुरू हो गए, गाली देना चालू कर दिया, लड़ना शुरू कर दिया, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है। आप शालीनता से अपने जो आपका विरोधाभास है उनके विचार से, आप उसको शालीनता से इंगित कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं। और कोई भी अच्छा बॉस, कोई भी अच्छा जो टीचर होगा या पेरेंट्स होंगे, वो इस चीज़ को फील करेंगे कि हाँ यार लगता है कुछ ज़्यादा हो गया। तो आप इसको पॉइंट आउट भी कर सकते हैं पॉजिटिवली, आप इसको दूसरों को रजिस्टर भी करवा सकते हो उनके मन में कि भाई हमारी ये बात सामने वाले को खाई, तो हो सकता है वो सॉरी भी आपको बोले, और आप इस बात को छोड़ के आगे बढ़ जाइए। लाइफ इज़ टू शॉर्ट कि आप इसमें बहुत सारी चिंताओं को अपने मन में जगह दें। समय जब तक हमें ये चीज़ का पता चलता है तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है। तो लाइफ में आप इंजॉय कीजिए, और जो छोटी मोटी घटनाएं घटती हैं उनको हम सिर्फ एज एन एक्सपीरियंस देखें, ये ना देखें कि सामने वाले ने इंटेंशनली हमें हर्ट करने के लिए बोला। सपोज़ मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, अगर हमारे किसी अपने ने हमें कुछ बोला, मान लीजिए किसी को हमने बुलाया बर्थडे, भाई आज मेरा बर्थडे आ जाना, तो अगर उससे हमारी बहुत ज़्यादा इंटीमेसी नहीं आ पाया, बोला कि अरे यार नहीं आ पाएंगे, तो हम समझते हैं उसकी मजबूरी। पर वहीं किसी को बोला और वो नहीं आता, और अरे पक्का उससे अगर हमारा ख़राब रिलेशनशिप है ना, पक्का जान के मतलब उसके तो पहले से था कि नहीं आना है, मेरा बर्थडे पार्टी का मजा किरकिरा करना है। तो ऐसा सोच, ये हमारी सोच है जो हमें दुख देती है, ये वो उनकी सोच हमें दुख नहीं देती है, हमारी सोच है जो हमें दुख देती है। आप उनके बारे में अभी पॉजिटिवली सोचिए, अरे हो सकता है यार कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा उसकी लाइफ में, नहीं आ पाया, इट्स ओके। तो अपनी सोच को आप पॉजिटिव रख सकते हैं हर सिचुएशन में, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप निश्चित तौर पर अपने जो एंगजाइटी है उसको कम करने में अपनी मदद कर सकते हैं। और फिर भी यदि आपको लगता है कि आपकी एंगजाइटी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको किसी अच्छे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की मदद की आवश्यकता है, तो आप ज़रूर निसंकोच आप उनसे जाकर के मिलें, अपनी समस्या को उनके साथ शेयर करें। हो सकता है कि आपके डॉक्टर, आपके थेरापिस्ट आपको कुछ दवाएं दें, आप कुछ आपकी काउंसलिंग करें, कुछ साइकोथेरापीज करें आपके आपके लिए, तो इससे आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर आप शेयर करें, और अपने विचारों को शेयर करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मेरा जो आईडी है DR_GauravKumar, आप वहाँ भी मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।